अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना खालिद चिश्ती म्यूज़िकॉर्ड से हाज़िर है और हमारे साथ दीपक सर जी, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी इंसान आमना अल्फत साहबा मौजूद हैं। और आमना अल्फत साहबा के बारे में आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सबका MP है और लाहौर की प्रेसिडेंट है और बहुत अच्छी खातून है जी। आमना अल्फत साहबा, आप रवैयों के बहरान के बारे में क्या कहें? चिश्ती साहब, मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इतने अच्छे टॉपिक को लेकर बातचीत करने का मुझे मौका दिया है। और मैं अपनी बात के आगाज़ में कहूंगी कि खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता। नहमदहू नसल्ले अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। सबसे पहले मैं जो बात करना चाहती हूँ वो रवैयों के बहरान के हवाले से करना चाहती हूँ। आज अगर हम बहसियत कौम, बहसियत इंसान, दूसरी तरक्की याफ्ता कौमों से अपने आप को कमतर महसूस करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने दीन से दूर हो चुके हैं, हम इंसानियत से दूर हो चुके हैं। और दीन से दूरी जो है वो आपको सबसे पहले इंसानियत से ही दूर कर देती है। और दीन हमारा जो इतना ज़बरदस्त दीन है जिसमें पूरा निज़ाम हयात मौजूद है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और उसमें भी अगर आप देखें ना, बहुत लंबी बात हो सकती है इसके ऊपर, अगर हम दीन के ऊपर बात करना शुरू हो जाए और हम एक भी हदीस पकड़ लें तो उसके ऊपर हम मेरे ख्याल में समंदर स्याही बन जाए और सारे दरख्त कलम बन जाए, तो मेरे ख्याल में हम लिखते चले जाएं तो उसके ऊपर उसकी तशरीह नहीं ख़त्म हो सकती। मैं एक बुनियादी दो इकाइयों के ऊपर बात करना चाहती हूँ जिसके ऊपर पूरा माशरा, पूरी रियासत बेस करती है, वो है इंसान का इंसान के ऊपर हक। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो हक है, मेरा फ़र्ज़ दूसरे का हक है और दूसरे का फ़र्ज़ मेरा हक। बहसियत माँ बाप, बहन भाई, औलाद, उस्ताद शागिर्द, मालिक नौकर, हर तरह के रिश्ते की तफवीज जो है वो इस्लाम ने कर दी है कि एक माँ बाप का क्या फ़र्ज़ है और औलाद का क्या हक है, और उसके बाद औलाद का क्या फ़र्ज़ है वो माँ बाप का हक है, उस्ताद का क्या फ़र्ज़ है और शागिर्द का क्या हक है। अगर इसकी तशरीह में जाएंगे तो फिर तमाम रिश्ते और तमाम ताल्लुकदारियाँ बीच में आ जाएंगी कि 40 घर दाएँ आपके पड़ोसी, 40 घर बाएँ, हर इंसान के साथ ये चैन वाइज आप जुड़े हुए हैं कि आपने एहसास करना है दूसरे का। ये एहसास है, हकूकुल इबाद क्या है, एहसास है कि आपने दूसरे के साथ कैसे नेकी करनी है, अपना फ़र्ज किस तरीके से निभाना है जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर तफवीज़ कर दिया। आज मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम शायद सब कुछ भूल गए, फिर हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में ये अनारकी क्यों है, मुसलमानों में ये बेरहमी क्यों है, आज हम तरक्की में इतने तनज़ुली का शिकार क्यों हैं। जब हम ये गिले शिकवे करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए कि क्या हम तालीम के साथ जो तरबियत और जो तबलीग इंसान के ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई, क्या हम अपने बच्चों के साथ वो कर रहे हैं, क्या हम उन्हें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं या उसके साथ 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 उन्हें एक अच्छा इंसान भी बना रहे हैं। आज आप यूरोप से, अमेरिका से बड़े मुतासर होते हैं, अरे जाकर तो देखिए उन्होंने अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की तरबियत शुरू कर दी है बहैसियत उन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए। और मैं समझती हूँ कि जो इस्लाम में तमाम अहकाम दिए गए हैं एक अच्छा इंसान बनाने के लिए एक बच्चे को, वो अपने बच्चों के ऊपर उसी तरीके से पूरी की पूरी एफर्ट करके उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हैं कि वो अपने मुल्क में, अपनी रियासत में इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो सड़क के ऊपर कूड़ा तक नहीं फेंकते, और वो अपने घरों को ही नहीं, अपने बाज़ारों को, अपनी गलियों को, अपने पार्कों को, अपने पूरे मुल्क को सजा बना के शीशे की तरह साफ़ सुथरा रखते हैं।
हमने तो अपना अंदर भी साफ नहीं किया, हमने अपने बाहर को क्या साफ किया।